Hi everyone, welcome to Mathematical Treatment. Analytical Geometry का एक important topic है जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, यानी point divides the join of two points in a given ratio. तो दोस्तों आज मैं इस topic पे बात करने वाला हूँ, तो अपने topic की तरफ चलते हैं हम. Point divides the join of two points in a given ratio. सबसे पहले मैं आप दोस्तों को रेशो के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. रेशो क्या चीज है? सपोज ये हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है 12 मीटर. दोस्तों मैंने आपके सामने एक 12 मीटर का एक रॉड कंसीडर किया है. मैं इस रॉड के दो टुकड़े करने लगा हूं, दो बराबर इसके हिस्से करने लगा हूं. सपोज मैंने इसके दो टुकड़े कुछ इस अंदाज में किए कि ये लेंथ जो है मैंने 8 मीटर की कंसीडर की और ये लेंथ जो है मैंने 4 मीटर की जो है वो कंसीडर की है. अब इस रॉड के जो दो हिस्से मैंने किए हैं वो हैं 8:4 और अगर इसको कैंसल आउट किया जाए तो ये बनता है 2:1. यानी इस 12 मीटर को मैंने 2:1 में डिवाइड किया. 2:1 का मतलब क्या है? जरा मतलब को समझने की कोशिश करें कि जितनी इस 8 मीटर के अंदर जितने दो हिस्से मौजूद हैं, यानी एक हिस्सा ये, वैसा ही एक हिस्सा इस 4 मीटर के अंदर मौजूद है. यानी रेशो टेल्स अस हाउ मच वन क्वांटिटी इज गिवन इज यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी. रेशो कभी भी हमें एक्चुअल लेंथ नहीं बताती. 2:1 का हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 1 है. इसका मतलब ये है कि इस लेंथ के अंदर जैसे दो हिस्से हैं, जिस लेंथ के दो टुकड़े मौजूद हैं, इस लेंथ में वैसा एक हिस्सा मौजूद है. सो रेशो डजंट टेल अस द एक्चुअल लेंथ, इट टेल्स अस हाउ मच वन क्वांटिटी इज यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी. तो ये है रेशो का कॉन्सेप्ट. तो दोस्तों अब मैं अपने टॉपिक की तरफ मूव करने लगा हूं. हमारा टॉपिक है कि जब भी कोई पॉइंट किसी दो पॉइंट्स को किसी भी रेशो में डिवाइड करे. सपोज ये मेरे पास एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये ए पॉइंट है जिसके कंपोनेंट्स हैं x1 y1 और ये एक बी पॉइंट है जिसके कंपोनेंट्स हैं x2 y2. मैंने आपके सामने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है जिसके दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, यानी दो एंड पॉइंट्स हैं, एक ए और बी. इनके कंपोनेंट्स मैंने आपके सामने लेट किए, x1 y1 x2 y2. मैं एक पॉइंट पी कंसीडर करने लगा हूं जो इस लाइन सेगमेंट को किसी भी रेशियो में कट करता है. ये पी जो है पॉइंट जिसके कंपोनेंट एक्स वाई जो कि हमने मालूम करने हैं, ये P पॉइंट अगर इस AB लेंथ को K1 और K2 रेशो में, यानी K1 रेशो K2 में अगर ये कट करे या डिवाइड करे तो हमने इस P पॉइंट के कंपोनेंट्स जो है वो मालूम करने हैं. P पॉइंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह मालूम किए जाएंगे? इसका जो X कंपोनेंट है वो बराबर होगा K1 X2 प्लस K2 X1 ओवर K1 प्लस K2. यानी ये फार्मूला होगा हमारे पास इस डिवाइड करने वाले पॉइंट का X कंपोनेंट मालूम करने के लिए. यानी इस डिवाइड करने वाले के दो ही कंपोनेंट्स होंगे क्योंकि ये प्लेन के अंदर एक पॉइंट है, तो इसके दो ही कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स वाई. जो X कंपोनेंट है वो हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे और बिल्कुल इसी तरह मैं Y कंपोनेंट का फार्मूला लिखूं तो वो बनता है K1 Y2 प्लस K2 Y1 ओवर K1 प्लस K2, वेयर K1 K2 आर द गिवन रेशियोज इन विच P डिवाइड्स AB. ये फार्मूला है हमारे पास जिससे हम इस P पॉइंट के कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. मैं आपके सामने कोई एग्जांपल कंसीडर करता हूं. सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट A और B है. ये A है सपोज कर लेते हैं 3, 4 और ये जो पॉइंट B है इसके भी कोई कंपोनेंट्स हम लेट करते हैं सपोज 7 और 8. यानी एक लाइन सेगमेंट मैंने आपके सामने ड्रॉ किया जिसके दो पॉइंट्स हैं A B. A के कंपोनेंट्स क्योंकि प्लेन के अंदर है, दो ही कंपोनेंट्स मैंने कंसीडर किए हैं,
थ्री फोर, और बी भी चूंकि प्लेन का ही एक पॉइंट है तो इसके अंदर भी मैंने दो ही कंपोनेंट्स चूज किए हैं, सेवन एंड एट। अब मैं एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं, सपोज ये पॉइंट पी है, पी पॉइंट, ये मैंने फाइंड आउट करना है जिसके कंपोनेंट एक्स वाई है। मैंने ये पी पॉइंट फाइंड आउट करना है, मुझे ये गिवन है कि ये पी पॉइंट इस ए बी लेंथ को सपोज कर लेते हैं 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, 2:1 में इसने डिवाइड किया ए बी को। आप इसका कंपैरिजन अगर इससे कीजिए करें तो यहां पर हमारे पास के वन की जो वैल्यू है वो 2 है, यानी के वन पहली रेशो के पहले कंपोनेंट का नाम हमने रखा, के टू ये जो दूसरा नंबर जिसमें डिवीजन हो रही है इसको 1। अब एक्स वन वाई वन इस फार्मूले के अंदर देखें आप, ये एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू ये पॉइंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं ये वही हैं। यानी अगर मैं सारा डाटा यहां पर कंप्लीट करूं तो एक्स वन जो है पॉइंट का एक्स कंपोनेंट यानी कि 3, वाई वन इसका दूसरा कंपोनेंट यानी 4, और एक्स टू दूसरे पॉइंट का यानी एक्स कंपोनेंट 7, और वाई टू जो है वो हमारे पास 8 है इस वक्त। ये डाटा है, इस डाटा के थ्रू इस फार्मूले का यूज करके मैं इसी के अंदर ही वैल्यूज पुट करूंगा और मैं इस पी पॉइंट के कंपोनेंट फाइंड आउट कर लूंगा जो ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहीं पर ही मैं वैल्यूज पुट करना शुरू कर देता हूं। आप देखें K1 की वैल्यू क्या थी, 2, और X2 कितना है हमारे पास, X2 जो है वो है 7, 7 प्लस K2X1, K2 इस वक्त 1 है और इसके साथ X1 जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना है, 3 है, X1 3 है, डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 यानी 2 प्लस 1 3। अच्छा अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 7 into 2 14 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 विच गिव्स 17/3। तो ये हमारे पास जो है 17/3 जो है इस P पॉइंट का जो कि AB को डिवाइड कर रहा है उसका X कंपोनेंट जो है वो 17/3 निकल आया। और अब मैं इसका Y कंपोनेंट के लिए मैं इसी फॉर्मूले के अंदर K1 की जगह क्या पुट करूंगा, 2, और Y2 की जगह क्या पुट करूंगा मैं, 8। तो यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं, K1 Y2 K1 2 into Y2 यानी के 8 प्लस K2 Y1, K2 1 है और Y1 जो है इस वक्त 4 है, 1 into 4 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 यानी 2 प्लस 1। तो ये क्या आपको आंसर देगा, 16 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 20/3। तो नाज़रीन ये जो हमारा पॉइंट P जो था जिसके दो कंपोनेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए थे करने थे, तो वो पॉइंट के जो कंपोनेंट्स हमारे सामने आए उसका एक्स कंपोनेंट है 17/3 और वाई कंपोनेंट है 20/3। यानी 17/3 एंड 20/3 इज अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स ए बी इन 2:1। तो इस तरह आप किसी भी पॉइंट के कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको वो रेशियो गिवन हो जिस रेशियो में वो पॉइंट जो है वो उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल सॉल्व करता हूं। दोस्तों आपके सामने मैंने एक प्रॉब्लम लिखा है जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया कि अगर कोई पॉइंट किसी दो पॉइंट के बनने वाले लाइन सेगमेंट को अगर किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो वो पॉइंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके सामने प्रॉब्लम है कि फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए बी। हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो ट्राइसेक्टिंग कर रहा है ए बी की। ट्राइसेक्टिंग का मतलब समझ लें, सपोज ये हमारे पास जो है ये ए पॉइंट है और ये जो है हमारे पास गिवन पॉइंट जो है बी है, ए एंड बी। ट्राइसेक्टिंग का मतलब है कि किसी भी लाइन सेगमेंट के या किसी भी चीज के तीन बराबर हिस्से करना। तो अगर मैं इस ए बी के तीन बराबर हिस्से करूं तो उसके लिए मुझे दो पॉइंट इंसर्ट करने पड़ेंगे, यानी एक पॉइंट जो है वो किसी भी लाइन सेगमेंट के दो हिस्से करता है और दो पॉइंट्स जो है वो इसके तीन हिस्से कर देते हैं। यानी एक लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने के लिए, ट्राइसेक्टिंग उसकी करने के लिए तीन बराबर हिस्सों में तकसीम करने के लिए उसके दो पॉइंट्स इंसर्ट करने पड़ते हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये।
तो अब हमने जो पॉइंट इस प्रॉब्लम के थ्रू फाइंड आउट करना है, फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग, फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए बी, तो हमने ये दोनों पॉइंट्स जो है हमने इस वक्त फाइंड आउट करने हैं। यानी इसका नाम मैंने P पॉइंट रखा जिसके कंपोनेंट X एंड Y, और एक पॉइंट Q जिसके कंपोनेंट X प्राइम और Y प्राइम से मैं डिनोट कर रहा हूं। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। अब आप देखें कि ये जो P पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट AB के को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। रेशो का मतलब अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि रेशो एक्चुअल लेंथ तो नहीं बताता हमें, बताती, लेकिन हमें ये बता देता है कि जैसे जितने यहां एक पार्ट है वैसे ही यहां पर दो पार्ट्स हैं। तो ये जो P पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो P पॉइंट के डिवीजन के लिए हमारे पास जो है वो K1 की वैल्यू 1 होगी, K2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 होगी। बाकी A पॉइंट के जो कंपोनेंट है ये X1, Y1, ये X2, Y2, तो मैं इस फार्मूले के अंदर पुट करके मैं इस P पॉइंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकता हूं। तो इसका X कंपोनेंट जो है वो कैसे आएगा, K1 X2, K1 is 1, X2 is the component of second point, B पॉइंट, चले मैं यहां पे लिख देता हूं 6, 2 है B पॉइंट हमारे पास, और ये जो A पॉइंट है ये हमारे पास है -1 and 4। चले जी, ये X कंपोनेंट कैसे इस फार्मूले से आएगा, K1 X2 यानी 6 प्लस K2 X1, K2 means 2 into X1, X1 is -1, divided by K1 plus K2 यानी 1 plus 2। इस तरह आपके पास ये जो है 6 minus 2 by 3 यानी 4 by 3 is the X component of this P point। इसी तरह अब मैं Y component find out करूंगा इस formula से। तो Y component के लिए जो formula मैं use कर रहा हूं वो है K1 Y2। K1 is 1, Y2 means B point का जो Y component है यानी के 2 plus K2 Y1, K2 is 2 and Y1 is 4 divided by K1 plus K2 यानी 1 plus 2, so it will be 2 plus 4 to 8 by 3 यानी के 10 by 3। तो दोस्तों ये जो point Y component निकला वो है 10 by 3। तो इस P पॉइंट के जो कंपोनेंट्स हमने फाइंड आउट करने थे वो हमारे सामने आ गए, जिसका X कंपोनेंट हमारे पास निकला 4 by 3 और Y कंपोनेंट जो है वो हमारे पास कितना आया 10 by 3। 4 by 3 and 10 by 3 आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस P। अब मैं इस Q पॉइंट के कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। आप देखें कि ये जो Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट है इस AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। रेशो क्लियर नजर आ रही है, मैंने आपके सामने जो ट्राइसेक्टिंग की है वो इसीलिए की है ताकि आपको पता लग सके कि ये Q पॉइंट जो है वो इस AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। जितने यहां पर दो लेंथ है वैसे यहां पर एक लेंथ मौजूद है, तो ये Q पॉइंट जो है AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास K1 जो है वो 2 होगा और K2 जो है वो हमारे पास 1 होगा, बाकी X1, Y1 वो वैल्यूज जो है वो हमारे पास सेम रहेंगी। तो इसी फार्मूले के अंदर मैं X कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए X is equal to K1 X2, ये K1 की वैल्यू 2 और X2 की वैल्यू जो है वो 6 प्लस K2 X1 यानी 1 into -1 divided by sum of ratio यानी 2 plus 1, so it will be 6 to 12 minus 1 over 3, the X component will be 11 by 3, so 11 by 3 is the X component। बल्कि इसका नाम तो हमने X prime रखा हुआ है, तो इसको मैं X prime से denote करता हूँ। यानी Q point का जो X component जिसको मैं X prime से denote कर रहा हूँ वो क्या निकला हमारे पास 11 by 3। इसी तरह अब मैं आपके सामने Y prime find out करूँगा। Y prime के लिए मैं ये वाला formula use करने लगा हूँ। value put कर देते हैं हम direct, K1 की जगह 2 और K1 2 और Y2 मतलब 2 plus K2 1 and Y1 is 4 divided by 2 plus 1 लिखना था यहां पर 2 plus 1।
तो ये y प्राइम हमारे पास क्या बनेगा, 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, द आंसर इज 8/3। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह मैंने उन दोनों पॉइंट्स के कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिए जो ए बी को ट्राइसेक्टिंग कर रहे थे, यानी ए बी की तीन बराबर हिस्से कर रहे थे। तो हमने आज उसके जो है वो पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट्स डिवाइड द जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स इन अ गिवन रेशियो बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हैव अ लुक प्लीज़।